को स्वागत करना है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीनियर सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन यानी कि सीनियर सेकेंडरी अकादमी की तरफ से यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है। तो क्या है न्यू नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है और वीडियो को फुल देख रहे हैं तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक यानी कि पंजीयन फॉर्म यहाँ पे आप अभी तक नहीं भरे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ग्यारहवीं में जो अभी पढ़ रहे हैं और 2024 में जो एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए डेट जो बढ़ा दिया गया है, तो डेट बढ़ा कर क्या कर दिया गया है 15/2022 तक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी तक नहीं भरे हैं तो भर सकते हैं आप यहाँ पे आप फॉर्म। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप फॉर्म भरने के लिए क्या कीजिएगा, क्लिक है टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022-24 नोटिफिकेशन, आप इस पर आपको क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीका का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ नन ओएफएस आर्ट, इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म नन ओएफएस साइंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो जो आर्ट साइंस कॉमर्स या वोकेशनल जो भी स्टूडेंट है यहाँ से और उसको डाउनलोड करके आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि चलिए हम आपको कॉमर्स वाले का ही डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे ये डाउनलोड होने लगेगा। अब डाउनलोड में जा करके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे आपको आएगा। जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सीजन 2022-24 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको इंट्रक्शन है पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पे पढ़ करके निर्देश को अच्छे तरीके से और यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा है, तो आप वीडियो को नहीं देखे हैं कैसे फॉर्म भरा जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप प्लीज़ देख सकते हैं। और इस फॉर्म का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप 15 तारीख तक डेट आपको बढ़ा दिया गया है, तो आप 15 तारीख तक इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल में भी है लिखा गया है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 तक। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए 11वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर तक कर दिया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसूल समिति की वेबसाइट सीनियर सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com के माध्यम से यहाँ पर होगा। प्रधान द्वारा भरा यदि किसी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के बाद शुल्क जमा नहीं हो पाया तो रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराते हुए उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने में किसी भी प्रकार समस्या होता है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, यदि आप अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो प्लीज़ कर सकते हैं। मैंने आपका सारा प्रोसेस बता दिया हूँ, उसमें यदि आप किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।